तो गाइज आप सभी का स्वागत है एक्सपेरिमेंट हैकर आइडियाज़ में। गाइज इस वीडियो पर हम जानेंगे पुराने लैपटॉप की बैटरी को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो इसके हम खोलेंगे और इसके अंदर से कितना बैटरी सही निकल रहा है, कितना बैटरी इसमें से ख़राब है, तो वो चेक करेंगे और उस ख़राब बैटरी को हम रिपेयर करेंगे। जो डेड हो गया होगा उस बैटरी को हम ट्राई करेंगे रिपेयर करने के लिए। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असल में गाइज हमारे पास दो बैटरी के पैक है, इसको आज हम ठीक करेंगे। और ये मैंने दो बैटरी परचेज़ किया था सिर्फ 150 रुपीज़ में, और इसको अभी खोल के आप लोगों को दिखाएंगे इसके अंदर से कितना बैटरी सही निकल रहा है और कितना बैटरी ख़राब है। तो फटाफट से इसको पेचकस से खोलने के लिए ट्राई करते हैं। गाइस जब तक हम इसको खोलते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही टफ है इसको खोलना क्योंकि इसका सील जो है बहुत टाइट रहता है। एक बैटरी पैक को तो हमने खोल लिया है, उसके अंदर से चार बैटरी निकला है आप देख सकते हो। और दूसरा बैटरी का पैक को खोलेंगे, अभी इसको साइड में रखते हैं, बाद में चेक करके आपको दिखाएंगे। फटाफट से और दूसरा बैटरी के पैक को खोल लेते हैं। गाइज आपको थोड़ा ध्यान से खोलना है क्योंकि बैटरी शॉर्ट भी हो सकता है और बैटरी ख़राब भी हो सकता है, इसमें शॉर्ट सर्किट होने का भी चांसेस रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट रहता है इसका कवर। तो थोड़ा ध्यान से खोलना है, मेरे जैसा नहीं खोलना है, मैं बहुत ही जल्दी जल्दी में खोला हूँ तो क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने बहुत सारे बैटरी ऐसे खोला है। तो आप थोड़ा ध्यान से खोलिए क्योंकि हाथ में लग सकता है आपको। तो फटाफट से बैटरी को जितने भी कनेक्शन है उसको हटा के उसको अलग कर लेते हैं। गाइज मैंने सारे बैटरी को ऑलमोस्ट कनेक्शन से अलग कर लिया हूँ, आप देख सकते हो इसमें से हमें 10 बैटरी मिला है। और उसको मल्टीमीटर से हम चेक करके दिखाएंगे आप लोगों को इसमें से कितना बैटरी सही है और कितना बैटरी ख़राब है। जो बैटरी ख़राब रहेगा उसको हम यहाँ पे रिपेयर करेंगे करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं, ये 2.8 वोल्ट कुछ दिखा रहे हैं और दूसरा बैटरी चेक करके देखते हैं कितना वोल्टेज दिखा रहा है, ये भी 2.13 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहे हैं, मतलब ये सही है। गाइस बैटरी अगर 1 वोल्ट से नीचे गया तो वो बैटरी ख़राब है, मतलब वो बैटरी डेड हो चुका है। ये आप देख सकते हो 0.09 ऐसा वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब वो ख़राब है। और दूसरा बैटरी चेक करते हैं, फटाफट से सारे बैटरी को चेक कर लेते हैं फिर आप लोगों को बताएंगे कौन कितना बैटरी सही निकला और कितना बैटरी ख़राब। इसमें से हमें 7 बैटरी सही निकला है, ये 2 पॉइंट के ऊपर ही वोल्ट है सारे। गाइस ये 10 बैटरी थोड़ा कम वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो दो बैटरी वोल्टेज कम दिखा रहा है ये पूरा डाउन है। तो इस बैटरी को हम रिपेयर करेंगे और ये दो बैटरी चार्ज होने पे सही हो सकता है तो इसको नहीं खोलेंगे, इसको खोल के आप लोगों को दिखाएंगे। गाइज ये सारे बैटरी ख़राब नहीं है, कुछ बैटरी इसमें से ख़राब है उसमें से भी हम रिपेयर करके दिखाएंगे। पहले इस बैटरी को खोलेंगे तो इसके ऊपर का प्लास्टिक को निकालेंगे और इसका ऊपर का प्लास्टिक को निकालने के लिए नाइफ से थोड़ा इधर कट मारेंगे धीरे धीरे और उसके ऊपर का प्लास्टिक को हटाएंगे, फिर आप लोगों को खोल के बताएंगे कैसे इसका रिपेयर होता है। तो प्लास्टिक को हमने निकाल लिया है, अभी इसको क्या करेंगे इसका जो गाइस पेचकस से धीरे धीरे उसके सील को ऐसे खोलना है, मैं जैसे खोल रहा हूँ थोड़ा रिस्की के काम है तो ध्यान से खोलना है। और इसको खोलने के बाद उसके जो पॉजिटिव वाले टर्मिनल को कुछ प्लायर से इस तरह से पकड़ के खींचना है, थोड़ा धीरे से खींचना है क्योंकि ये टूट गया आप देख सकते हो, क्योंकि अभी चलेगा इसको सोल्डरिंग कर सकते हैं। पहले इसको बैटरी को चेक करते हैं ये बैटरी सही है कि नहीं है, पूरा डेड रहेगा तो ये सही नहीं हो सकता है। गाइस मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में हमने सेट कर लिया है, अभी इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखाएंगे क्योंकि इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो डैमेज रहता है इसलिए ऊपर वोल्टेज शो नहीं करता है, लेकिन अंदर वोल्टेज शो करना चाहिए क्योंकि अभी आप देख सकते हो अंदर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बैटरी सही नहीं हो सकता है, ये ख़राब हो चुका है। अभी दूसरा बैटरी को हम ट्राई करेंगे चेक करके आपको दिखाएंगे, इसमें भी कोई वोल्टेज आपको दिखाता हूँ शो नहीं कर रहा है, मतलब ये बैटरी पूरा डेड बता रहा है यहाँ पर। तो इसको भी खोलेंगे फटाफट से, इसको भी उसी तरीके से आपको खोल लेना है और आप लोगों को वैसे ही चेक करना है, थोड़ा धीरे से उसका पॉजिटिव टर्मिनल को खोलना है, टूटना नहीं चाहिए क्योंकि वही डैमेज रहता है इसके वजह से ऊपर वोल्टेज शो नहीं करता है। तो फटाफट से इसको भी खोल लेते हैं। गाइज मुझे नहीं लगता है कि ये बैटरी सही होगा क्योंकि आप देख सकते हो इसमें पूरा जंग लग चुका है, बहुत बुरा कंडीशन में है ये बैटरी। तो इसको भी देखते हैं क्या होता है, ये बैटरी का हो पाता है या नहीं रिपेयर, तो इसको भी खोल के चेक करेंगे। तो हमने खोल लिया है आप देख सकते, गाइज ये वाला बैटरी भी ख़राब है, इसमें से कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है आप देख सकते हो, ये पूरा डैमेज है। और दूसरे बैटरी हमने एक और ट्राई किया वो भी डैमेज ही है,
गाइज ये आप घर पे करने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और काफ़ी नुकसान भी होता है। मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा जगह में लग चुका है इसको सही करते करते। तो आप इसका एक काम करिए, पुराने लैपटॉप की बैटरी ले लीजिए, उसमें से जितना सही निकलता है उसको यूज़ में लीजिए। और तो गाइज ऐसा करने का ट्राई मत कीजिए। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ एंड सुरक्षित रहिए। जय हिंद।